मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टेस्टिंग चार्ज। कल बात हुई थी किसके बारे में, परीक्षण आवेश के बारे में, और बताया गया था कि परीक्षण आवेश होता क्या है, कि पहली चीज क्यों आवश्यकता पड़ी। अगर हमें किसी भी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र बताना हो या वैद्युत विभव बताना हो, तो एक ऐसे काल्पनिक आवेश की आवश्यकता पड़ती है जिसमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कल मैंने बोला था कि ये पहली चीज फुल्ली क्या होता है, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक, वास्तव में इसका कोई महत्व है नहीं या वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम लेते हैं ताकि हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड निकाल सकें और या किसी की पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल बता सकें। दूसरा चीज हाइपोथेटिकल है, तीसरा बहुत छोटी अमाउंट में इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, चौथा इट हैव नो फील्ड, इट हैव नो फील्ड, इसका अपना कोई क्षेत्र ही नहीं होता, और तीसरा ये दूसरे बिंदु आवेश पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा, बल्कि किसी आवेश के द्वारा लगने वाले बल का ये अनुभव कर सकता है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्यू नॉट से। इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती थी जिसके बारे में, टेस्टिंग चार्ज के बारे में, और कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसको। इसके बाद अब आता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इससे रिलेटेड चीजें आप अलेवन में पढ़े हो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस कर चुके हैं अलेवन क्लास में, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पिंड को अगर रख दें तो पृथ्वी उस पर क्या लगाए, बल। सेम वे कोई पॉइंट चार्ज ले लो, इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड जिसमें अगर परीक्षण आवेश को रखा जाए तो ये परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलेंगे क्या, इस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र। फिर से सुन लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें रखा गया परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र इसके बाद बनता है, जैसे डिफिनेशन क्या बन गई, एक बार फिर से सुन लो, कोई बिंदु आवेश ले लो, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर हम टेस्टिंग चार्ज को रखें तो जो टेस्टिंग चार्ज हो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो ऐसे फील्ड को हम बोलेंगे इस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र। अब इसके बाद बात आती है, तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, अब ये बात आती है, जैसे हम वहां पढ़े थे अलेवन में गुरुत्वीय क्षेत्र, उसी तरह ली गई थी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह यहां ली जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जल्दी जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र का बेसिकली मतलब हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। कहीं आपसे अगर पूछा गया क्या कि वैद्युत क्षेत्र बताइए, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब वो क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है और इसके क्षेत्र में हमने किसी टेस्टिंग चार्ज को रख दिया, तो टेस्टिंग चार्ज पर एक बिंदु आवेश क्या करेगा, अपनी ओर एक बल लगाएगा। तो बताया गया किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान का अनुपात कहलाता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
फिर से सुनो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बनी कि किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर आवर्तित बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमेशा हम इसको कैसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रिप्रेजेंट होगी किससे, कैपिटल ई से। अब यहीं पर पहले हम बात कर लें इसके यूनिट की, यहां पे बात किसकी कर लें, यूनिट। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलम। तो मात्रक बन गया न्यूटन पर कूलम, दैट्स एन बाई सी। या इसी को हम लिखते हैं आगे चल के, इसी को लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। ये भी मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर कहें या न्यूटन पर कूलम। फिर यहीं से हम डायमेंशन बना सकते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन के लिए आप पढ़े हो यंग एन टी माइनस टू और चार्ज के लिए पढ़े हो आप ए टी। तो बन गया आपका क्या, यंग एन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, साथ साथ ये सदिश योग नियम का पालन भी करेगा। ये तो होगी इसके बारे में बातें। फिर अब इसके बाद हमें दिशा की बात करेंगे, क्योंकि वेक्टर है तो दिशा चाहिए। तो हमारे पास कैसा आवेश है, दो, धन आवेश और ऋण आवेश। मान लो कहीं हमने प्लस टू आवेश रखा और इसके लिए इस पॉइंट को ले लिया गया बिंदु P, कहा जाए आप बताओ बिंदु P की, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा। तो कैसा आवेश है, धन। कल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात हुई थी और बताया गया था वहां की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और एक सरल रेखा पर चलकर कहां जाती हैं, अनंत की ओर। तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उसी दिशा में आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी। तो अब यहां पर आ गया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाएंगी, आवेश से दूर की ओर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो गई, आवेश से दूर की ओर। इसी तरह अगर यहां पे माइनस क्यू चार्ज है आपके पास, अगर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे फिर पॉइंट ले लिया गया क्यों, कहा गया इस पॉइंट क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ किधर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश। और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, अब ऋण आवेश के लिए कल बताया गया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अनंत से चलकर एक सीधी रेखा पर किधर आएंगी, आवेश की ओर। तो अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर, ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश की ओर। अगर यहीं पे कहीं धन आवेश हो और कहीं पे ऋण आवेश, कहा जाए इनके बीच किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो हो गई धन से ऋण की ओर। कहीं भी लोगे इनके बीच, इनको मिलाने वाली रेखा पर कोई भी पॉइंट ले लो, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहां, धन आवेश से ऋण आवेश। क्यों होगी, क्योंकि कल बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर कहां जाती है, ऋण आवेश की ओर। तो जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद फिर बात करी जाए वैद्युत क्षेत्र के प्रकार, बात किसकी करी जाए, यहां पे वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के प्रकार, टाइप्स। तो देखो होते बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आम अगर बात करी जाए तो दो बेसिकली, एक तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। दूसरा असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाना हुआ या असमान वैद्युत क्षेत्र दिखाना हुआ, बनाएंगे कैसे? एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब इस तरह की लाइंस पैरेलल खींच दो, तो ये आपको क्या प्रदर्शित करेगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और असमान वैद्युत क्षेत्र दिखाना हुआ तो यही लाइन ऐसे बना हुआ, ये क्या बता रहा है आपको? असमान वैद्युत क्षेत्र। और जो ये वो साइन होगा, ए वो साइन, ये क्या बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। एरो साइन आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में काम कर रहा है, ये आपको कौन बताएगा? एरो साइन। ये तो बात हो गई वैद्युत क्षेत्र, हम लोगों ने क्या निकाला? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा फिर से सुन लो। परिभाषा क्या थी? कि किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान का अनुपात क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम अभी लिखा गया था, या वोल्ट पर मीटर। वीमा में भी निकाली गई थी, नियम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश है तो दिशा भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए, तो परिमाण तो हम निकाल लेंगे। दिशा की बात करें तो धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर, और ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर। फिर कितने टाइप के फील्ड बनेंगे यहाँ पे? बेसिकली दो टाइप के फील्ड बनेंगे, एक समान क्षेत्र दिखाना है तो समान पर रेखाएं खींच लें, असमान क्षेत्र दिखाना है तो ये रेखाएं उल्टी सीधी हो गई। फिर इसी तरह बलों के आधार पर बात करें तो बलों के आधार पर भी वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। एक जैसे बल, दो तरह के बल पड़े वाले बंद में, संरक्षी और असंरक्षी। तो उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र भी दो तरह का होगा, एक संरक्षी वैद्युत क्षेत्र और एक असंरक्षी वैद्युत क्षेत्र। उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे, इस स्टैंडर्ड में वो टॉपिक नहीं होता तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन भी नहीं करेंगे। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब निकाला जाए किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। अब क्या निकाला जाए? किसी बिंदु आवेश के, बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब किससे हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, जो डेफिनेशन थी हम उसी पे उसी को पकड़ के चलना है। सबसे पहला काम, एक बिंदु आवेश ले लो और इसके वैद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया। तो ये बिंदु आवेश, मान लो ये दूरी क्या है, स्मॉल r, तो ये बिंदु आवेश इस पर क्या लगाएगा? बल। बल की दिशा किधर होगी? बिंदु आवेश की ओर। तो यहां लिख सकते हैं बिंदु आवेश द्वारा क्यू नॉट पर आरोपित बल। और अगर आरोपित बल देखें तो जो कूलाम का नियम है हम उसी पे बात करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या है? कि कूलाम का नियम ये है कि दो आवेश अगर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल, फॉर्मूला आप पढ़े हो, 1/4πε0Q√r2, इतना बल आरोपित होगा। अब आ जाए हम जो डेफिनेशन पढ़े कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर अभी पढ़े यंग पाई क्यू नॉट। तो E बराबर वैल्यू का उपयोग 1/4πε0Q√r2/Q0 से Q0 कैंसिल, फॉर्मूला बन गया
1/4πE₀ और q/r²। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला। अगर हम यहीं पे बात कर लें किसकी, फॉर एयर और स्पेस, तो ये की वैल्यू 1, सो E बिकम्स 1/4πE₀ q/r², या E=9 × 10⁹ और q/r². ठीक, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का फार्मूला। इसके बाद देखो दूसरी चीज, अब यहां पे क्या है, आवेश है, और आवेश दो नेचर का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ लोग दिमाग में ये बनेगा कि यहां पे आवेश का साइन रखना है या नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जब भी कैलकुलेशन हम करेंगे, कहीं भी करेंगे, तो उसमें हम कभी भी आवेश के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान सुनना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकिक गुणाभाग इस सूत्र की सहायता से जब भी करेंगे, चाहे ये सूत्र लगाओगे चाहे ये सूत्र लगाओगे, तो जब भी करोगे तो उसमें हमें आवेश के चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये मामले हमको क्या बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, कि उसका आंकिक मान कितना है, और किसी का परिमाण नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, कि इसमें केवल और केवल आवेश के परिमाण का प्रयोग करेंगे, और जो चिन्ह होगा उसकी सहायता से हम लोग दिशा का पता लगाएंगे। ठीक है ना, कि जो चिन्ह होगा उससे क्या लगाएंगे, दिशा का पता, और केवल जो फार्मूला है उसमें आवेश के आंकिक मान का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, अब अगर हम यहां पर देखें, दूसरी चीज अब अगर हम यहां पे देखें, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम इन दोनों के बीच ग्राफ खींचें, क्या प्लॉट करें, ग्राफ वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड बताए और एक्स एक्सिस आर की वैल्यू बताए, है ना। तो अगर आर की वैल्यू बताए तो ये जो ग्राफ मिला वो कैसा मिलेगा, एक हाइपरबोला, क्या मिला, अति परवलय, अति परवलय। ठीक, ये ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। इक्वेशन आप अभी मैथमेटिक्स में जाओगे, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में इक्वेशन डिस्कस होगा, जो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, कोई भी क्वांटिटी है तो उसका ग्राफ ऑलवेज हाइपरबोला ही ऑपेंड होता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज यहां पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पे करते हैं, क्या यहां पे निकालते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे रिलेटेड। उस प्रॉब्लम से पहले कुछ दो तीन चीजें हैं जो बेसिकली हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज देखो, अब देखो जैसे हम बात करेंगे यहां पे हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लो इस फील्ड में हमने एक चार्ज रख दिया, क्यों, कहा जाए इस पर कितना बल आरोपित होगा। तो अभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा पढ़े थे या बराबर E बराबर F by, अब परीक्षण आवेश की जगह कौन सा आवेश है, Q, तो F by क्या रखेंगे, Q, तो E बराबर हो गया, F बराबर हो गया क्या, Q into E। अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, for an electron, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है क्या होता है, small E, so F बराबर क्या बना, small E और capital E, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश पर बल कितना लगेगा, Q into E, अगर हमें E दिया है तो, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो small E into capital E। अब देखो दूसरी बात आती है कि इस बल की दिशा क्या होगी, दूसरी बात क्या आती है, इस बल की दिशा,
तो दो पॉइंट बनता है, इफ क्यू पॉजिटिव हो, जो आवेश हो कैसा हो, धन आवेश, तो जो बल होगा जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हमने चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो प्लस धन आवेश पर जो बल होगा वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है ना, कि धनावेश पर, धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में आरोपित होता है, आरोपित होता है। ठीक, इसके बाद, इसके बाद जैसे दूसरा पॉइंट इफ q इज इक्वल टू नेगेटिव, यही उल्टा हो गया, ये हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया और यहां पे माइनस q चार्ज रखा ना, तो जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो ऋण आप क्या लिख सकते हैं इसी तरह कि ऋणावेश पर बल क्षेत्र के कहां लगेगा कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आरोपित होता है, आरोपित होता है। बात समझ में आई, बात क्या बनी, दो चीजें बनी यहां, एक पहली चीज कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखता है तो कितना बल लगेगा, q इनटू e, इलेक्ट्रॉन है तो कितना बल हो गया स्मॉल e कैपिटल e, अब इस बल की दिशा क्या होगी, अगर q धनावेश है ना, q धनावेश है तो बल क्षेत्र की दिशा में लगना है, q अगर ऋणावेश है तो बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगना है। और दूसरी चीज, जैसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर लें, अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन पे बल कहां लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर प्रोटॉन पे बल किस दिशा में लगेगा, क्षेत्र की दिशा में, ये बात होगी। और दूसरी चीज ये तो हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अब देखो जहां पर जितने आवेश रखे जाएंगे उस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर उतने ही क्षेत्र उत्पन्न होंगे, अगर हमने एक आवेश रखा तो क्षेत्र एक उत्पन्न होगा, अगर हमने दो आवेश रखा तो क्षेत्र दो उत्पन्न होगा, और अगर हमने तीन आवेश रखा तो क्षेत्र यहां पर तीन उत्पन्न होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, जो है थोड़ा अपडेट करो तुम लोग, ठीक है। अब देखो, जैसे अब अगर दो क्षेत्र हैं, जैसे एक पॉइंट, यदि किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर दो क्षेत्र, दो क्षेत्र E1 व E2 हैं, तो यहां तीन कंडीशन बनी, एक कंडीशन दोनों समान दिशा में, E1 व E2 समान दिशा में, दिशा में है, जैसे मान लो ये पॉइंट हुआ आपका P, और इस पॉइंट पे आपने कहीं से भी निकाला, दो क्षेत्र आए, एक E1 और एक E2 दोनों एक ही दिशा में, तो P पर क्या लिखेंगे, P पर परिणामी क्षेत्र क्या बना, E1 plus E2, जैसे वेक्टर में आपने अलेबल में पढ़ा है, यही बी पॉइंट बना, बी पॉइंट क्या बना, यह पी पर E1 व E2 विपरीत, विपरीत है,
ठीक विपरीत है तो ये देखो पॉइंट पी ईवन और ई टू विपरीत हो गए तो ई एंड पी का मतलब पी पर परिणामी क्षेत्र लिखेंगे ई टू डिफेंस ईवन अब यहां माइनस साइन नहीं लगा रहे डिफेंस डिफेंस का मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे हमेशा क्या करेंगे बड़े क्षेत्र में छोटे को घटाएंगे क्योंकि अंतर कभी नेगेटिव सो पॉसिबल नहीं है है ना तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे और दिशा की बात यहां करी जाएगी जरूर दिशा कि परिणामी क्षेत्र की दिशा किधर होगी तो परिणामी क्षेत्र की दिशा हमेशा उधर होगी जिस दिशा में बड़ा वैद्युत क्षेत्र होगा अगर E2 बड़ा है तो परिणामी की दिशा E2 में होगी अगर E1 बड़ा है तो परिणामी E1 की दिशा में होगा जैसे यहाँ दोनों समान दिशा में है और समान दिशा में है तो परिणामी या तो E1 की दिशा में हो गया या तो E2 की दिशा में लेकिन अगर दोनों विपरीत हैं तो जो बड़ा होगा परिणामी हमेशा उसी की दिशा में होगा अब इसका सी पॉइंट बनता है सी पॉइंट क्या वो भी देखो तीन केसेस से हम रिजल्ट निकालेंगे पॉइंट सी यदि ई वन व ई टू परस्पर परस्पर थीटा कोण पर है और थीटा कोण पे है ये हो गया आपका क्या डैश पॉइंट एक मान लो ई वन इस दिशा में लगा और ई टू कुछ इस दिशा में लगा ई एंगल हो गया इनके बीच थीटा तो वेक्टर में सब लोग पढ़े हो आराम से कि दो कोई भी दो सदिश राशियां किसी कोण पे काम करे तो उनका परिणामी उनके बीच कहीं लगता है और उस परिणामी को हम निकालते हैं अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा यहां से हम परिणामी क्षेत्र का पता लगा सकते तो ये हो गया अगर किसी बिंदु पे दो क्षेत्र बन रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं अगर किसी पॉइंट पे दो क्षेत्र बने हैं तो उनका रिजल्टेंट एक का तरीका अगर दोनों समान दिशा में हैं दोनों समान दिशा में हैं तो एक का तरीका यही हो गया दोनों को जोड़ डालेंगे सीधा सीधा करना है कुछ नहीं दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों को हम क्या करेंगे एक दूसरे में घटा देंगे और किसमें घटाएंगे जो बड़ा होगा वो हमेशा छोटे में घटाया जाएगा और परिणामी की दिशा होगी हमेशा बड़े वाले की दिशा में तीसरा अगर दोनों किसी कोण पे काम कर रहे हैं दोनों किसी कोण पे काम कर रहे हैं तो इनका परिणामी हमेशा इनके बीच होगा और उसे हम वेक्टर एडिशन लॉ से अपेंड कर सकते हैं ठीक ये बात हो गई रिजल्टेंट निकालने की अब इस पर हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल एक दो जैसे कहा जाए एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल की बात कर ले एग्जाम्पल जैसे कहा जाए 1000 माइक्रो कूलर और माइनस 1000 माइक्रो कूलर के दो बिंदु आवेश मान लो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं कहा जाए इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मिड पॉइंट ये मान लो P 10 सेंटीमीटर ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर ये भी हो गया पॉइंट A और पॉइंट B कहा जाए मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाओ तो कितने देखो कितने आवेश हैं हमारे पास एक और दो तो पॉइंट पे कितने क्षेत्र आएंगे दो क्षेत्र एक प्लस 1000 के कारण और दूसरा माइनस 1000 के कारण अब जो ये दोनों क्षेत्र होंगे पहले हम इनको निकाल लें देखो करना क्या है प्लस 1000 माइक्रो कूलम के कारण पी पर क्षेत्र और अभी मामला पड़े हो क्या रखेंगे E1 9 गुणे 10 की घात 9 और 1000 माइक्रो है 1000 माइक्रो का मतलब 10 के घात माइनस 6
फिर इसके बाद अपान आर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 0.1 का स्क्वायर बनेगा, हो गया ना। फिर या तो इसे आप कैलकुलेट कर लो E1 9 गुणे 10 के हाथ 9 और 10 के हाथ माइनस 3 10 के हाथ माइनस 2 तो E1 बराबर आया 9 गुणे 10 के हाथ 11 में 3 गए कितना हुआ 8 न्यूटन पर कूलम। और चूंकि देखो दूसरा आवेश भी इतना ही है और दूरी भी इतनी है तो अब तो शायद समझ गए होंगे कि जितना E1 आएगा उतना ही E2 आएगा, क्लियर है। और नहीं तो फिर इसी तरह निकाल लेना अगर ना समझे हो तो, बस यहां माइनस एक हजार। और अभी पढ़ाए हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो सूत्र में क्यू का साइन नहीं रखेंगे, वही है दूरी वही है छेद। अब दोनों की दिशा देख लो, पहला काम दिशा देखो तो ये कौन है धन, धन के लिए वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से दूर की ओर E1 है, ये कैसा है ऋण, ऋण के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होगी आवेश की ओर, ये क्या आया E2। अब दिख रहा बिंदु P पर E1 और E2 एक ही दिशा में है, लिख सकते हैं बिंदु P पर E1 व E2 समान दिशा में है, दिशा में है। और अगर समान दिशा में है अतः P पर परिणाम, अगर परिणाम ही निकाले तो E@P, अभी लिखे तो ऊपर ना समान दिशा में है तो दोनों को क्या करेंगे ऐड E1 प्लस E2 तो E1 क्या बना E1 9 गुणे 10 के घात 8 और E2 भी 9 गुणे 10 के घात क्या हो गया 18 गुणे 10 के घात 8 या 1.8 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन पर, ठीक। अब बात करें इसकी दिशा, दिशा किधर गई तो दिशा किधर होगी प्लस 1000 से माइनस 1000 कूलाम की ओर, ये हो गई क्या इसकी डायरेक्शन, बात समझ में आई। इसके बाद देखो इसी पर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, पहले माइक ऑफ करो अपना। देखो क्वेश्चन क्या था सिंपल सा कि 1000 माइक्रो कूलाम और -1000 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं और कितनी दूरी पे हमने रख दिया 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक दूसरे से। अब कहा क्या गया कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एट द मिड पॉइंट, कितने आवेश हैं हमारे पास दो, एक प्लस 1000 और एक माइनस 1000। तो अभी बताए थे जितने आवेश उतने क्षेत्र, कितने आवेश हैं दो आवेश, कितने क्षेत्र बनेंगे दो, एक प्लस 1000 के कारण और एक माइनस 1000 के कारण। और अभी कुछ देर पहले वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला भी डिराइव किए थे कि 9 गुणे 10 के घात 9 क्यूब आई आर स्क्वायर, तो एक क्षेत्र प्लस 1000 के कारण निकाल लो कि प्लस 1000 के कारण वैद्युत क्षेत्र कहां पी पर 9 गुणे 10 के घात 9 प्लस 1000 माइक्रो लगा है 10 के घात माइनस 6 कितनी दूरी पर निकालना है 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला 0.1। अब इसे कैलकुलेट किया गया 9 गुणे 10 के घात 8 Even हो गया। इसी तरह से एक वैद्युत क्षेत्र -1000 के कारण आएगा। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, केवल प्लस और माइनस का, तो इसका मतलब जितना क्षेत्र P पर ये उत्पन्न करेगा उतना ही क्षेत्र ये भी, क्योंकि आवेश समान है दूरी समान है, होगा। बस अंतर यही आएगा कि दोनों की दिशा अलग अलग, क्योंकि एक धन है दूसरा ऋण है। तो E2 भी मतलब माइनस क्यू के कारण पी पर क्षेत्र E2 भी 9 गुणे 10 के घात 9 हो गया 8 हो गया इतना। अब देखो दोनों क्षेत्रों की दिशा निकालो, प्लस 1000 माइक्रो कूलाम का क्षेत्र प्लस 1000 से दूर की ओर, माइनस 1000 माइक्रो कूलाम का क्षेत्र 1000 की ओर, तो पॉइंट पी पे देखो दो क्षेत्र दिख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में और एक ही दिशा में है, तो हम वेक्टर मेथड से E1 प्लस E2 ये आपका आंसर। अब इसकी दिशा अगर पूछी जाती है तो दिशा अगर पूछी जाती है तो दिशा क्या हो गई, दिशा हो गई आपकी कितनी
प्लस 1000 से माइनस 1000 की ओर। अब देखो इसी में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम इसे किसी शेप में डाल दें, कोई एंगल बना दें, कोई एंगल बना दें, या कहीं पे विपरीत क्षेत्र हो जाए। अगले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो। 11 में डिस्कस किया था हमने, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस आर न्यूट्रल पॉइंट, जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं या तो अंतरिक्ष बोलते हैं। तो उसी तरह से दो आवेशों को जब कहीं रखोगे तो इनके मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसा पॉइंट जरूर अपेंड होगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग ये सब डिस्कशन न्यूमेरिकल बेसिस वो कल करेंगे, जिसमें हम आपके आपको 3-4 वैरायटी पे प्रॉब्लम्स कराएंगे जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आज टाइम हो गया, ओवर हो रहा है, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, तो इसलिए दैट्स ऑल। अभी 7:45 से आपकी अगली क्लास चलेगी।